क्योंकि आप जिस काम को पैशन से करते हो उसमें आपको कभी थकान नहीं होगी। लोगों को कहना है कि स्कूल वाले भी मार्क से पीछे, मतलब सुबह स्कूल में 7 बजे आ जाते थे। देखिए मैं 4 बजे उठ के घर का काम पूरा करके वो भी मैं करती चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का क्या करें, वो कहते हैं कि शिक्षा को व्यापार बना दिया। लेकिन आज भी हमें परिणामों की बात करें तो ये देखने को मिल जाता है कि सारे स्कूलों का परिणाम अखबार में छाप दिया, परसेंटेज की बजाय मतलब ऐसा काम कर दिया कि रिजल्ट जो है वो अलग अलग संस्थाओं का इकट्ठा करके एक टॉप दिखा दिया। तो पारदर्शिता नहीं है विज्ञापनों में। लेकिन जैसे महेंद्रगढ़ के हालात आज भी जस के तस, जैसे 20 साल पहले थे। कुछ महेंद्रगढ़ के बारे में जो आप कहना चाहते हैं। महेंद्रगढ़ जो शिक्षा का हब है और काफी अच्छा शिक्षा का हब है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं काफी अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, और काफी अच्छे परिणाम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के शिक्षक उन्हें अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ की जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो इस तरीके की जो है ना मेहनत करवा रही है। तो ऐसी एक शिक्षण संस्था जिसने महेंद्रगढ़ को शिक्षा का हब बनाने के लिए अपना अहम कह सकते हैं कि माइलस्टोन का काम किया है, शिक्षा का हब महेंद्रगढ़ जो बना है उसके पीछे आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो है ना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रांगण में ही हम बैठे हैं, महेंद्रगढ़ का जो आरपीएस स्कूल है वहां पर हम बैठे हैं। और इसके अंदर अगर हम बातचीत करें तो पवित्रा राव जो हमारे साथ बैठी है इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की जो है ना शुरुआती जो डिसीजन थे इनके कि हाँ ये काम करना है और फिर इस काम को इतने आगे तक लेके जाना है, इनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इन्हीं से हम आज चर्चा करेंगे चर्चित चेहरे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। जी स्वागत है मैम आपका। जी एक मेरे पास लंबी है ना, एक लंबी तो नहीं कह सकते लेकिन एक लिस्ट है जिसमें मैंने कुछ अपने जो है ना सवाल निर्धारित किए। पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे ये आइडिया है कि स्कूल ओपन करना है, अपनी एक जर्नी कम से करो। समशेर जी मैं ना दिल्ली में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, वहीं मेरी शिक्षा हुई और मेरी शादी महेंद्रगढ़ में हुई। तो जब शादी करके यहाँ आई तो दिल्ली से और यहाँ के वातावरण में मुझे बहुत फर्क देखने को मिला। लेकिन वो एक होता है ना कि आप उस टाइम शुरू शुरू में गए नहीं तो बहुत चुप चुप रहते हो, लेकिन ऑब्जर्व बहुत कुछ करते हो। तो मन में बहुत चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, साथ साथ मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी उस टाइम। बीएससी के बाद शादी हुई और जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। उसके बाद मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया और एमए के लिए अप्लाई किया, पढ़ भी रही थी। तो मेरे फादर ने एक दिन सजेस्ट किया, मेरे फादर लॉ को, कि क्यों ना एक पवित्रा के लिए स्कूल बना देते हैं, इसको काम करने की इच्छा भी है और ये स्कूल चला देगी। तो ये मेरे फादर का आइडिया था। लेकिन जो मेरे फादर लॉ थे जिनका 4 महीने पहले अभी देहांत हुआ है, उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जब उनमें लर्निंग एटीट्यूड बहुत था और वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे। जब मेरे पापा जी ने उनको ये बात कही तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब बहुत बढ़िया बात है, हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और बेटी हमारी स्कूल को संभाल लेगी। तो इस तरह से स्कूल की शुरुआत हुई। तो यहाँ मेरे लिए देखिए सबसे अचंभे की बात थी कुछ चीजें, तो कि यहाँ बच्चे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, मैं देखती थी कि वो उनका जो बेस था ना वो बहुत अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा कि अच्छा हमारा जब स्कूल हो जाएगा तो हम ऐसी शिक्षा प्रणाली लेकर के आएंगे, हम ऐसी शिक्षा देंगे बच्चों को जिनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने, जिनकी नींव मजबूत हो और वो बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे भारतीय बने, एक अच्छे बेटा बेटी बने। ये मन में जरूर एक इच्छा थी। लेकिन उम्र कम थी तो ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सपीरियंस था, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, टीम बनती चली गई और आज आपके सामने है। देखिए आरपीएस 24 साल हो गए हैं, अगले साल हमारे स्कूल की सिल्वर जुबली होगी, हमें 25 साल, हाँ अगले साल हमें 25 साल हो जाएंगे, अगले साल तो मतलब 2023 में हमें 25 साल हो जाएंगे। तो इसके लिए बल्कि मैं सभी पेरेंट्स को, इस क्षेत्र के सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी पूरी टीम ने मेहनत की और यहाँ के लोगों का जो ट्रस्ट हमारे ऊपर है जिसकी वजह से हम आगे हर क्षेत्र में आज हम आगे, हमारे बच्चे आज बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो 2022 का ये अंतिम सप्ताह चल रहा है और दिसंबर की बिल्कुल लास्ट एक दो दिन बचे तब हम गेम शूट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर लोग है ना
जनवरी 2023 में इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, अगले साल ही। तो आप लोगों को हमारी तरफ से नमन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, एक विशेष इसमें यह है कि स्कूल आरपीएस आपने किया, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था कि जैसे आप पढ़े लिखे थे, जॉब भी कर सकते थे, देयर वर सो मेनी करियर ऑप्शंस जिनमें आप जा सकते थे, लेकिन स्कूल ही किया। बिल्कुल, इसके लिए सबसे अच्छी मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी, उस टाइम बाबूजी ने मुझे एचसीएस की भी बुक ला कर दी, ये पढ़े और उसकी तैयारी करे। मैं टीचिंग के लिए, बैंक पीओ के लिए, मैं बहुत सारी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। और 2006 में मेरा पीजीटी साइंस में रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया था। अच्छा। मेरा, हाँ जी, और सिर्फ इंटरव्यू था, लेकिन 2006 तक 98 में हमारा आरपीएस स्कूल हमने स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय हम उस जगह पहुंच गए थे कि पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं था। अच्छा। तो मैं बिल्कुल वहां जॉब में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ के बच्चों को मेरी जरूरत है। और मैं एक चीज और मानती हूँ कि शायद परमात्मा ने दिल्ली से मुझे महेंद्रगढ़ में इसीलिए भेजा हो, मुझे माध्यम बना करके यहाँ के बच्चों को मुझे शिक्षित करना हो और यहाँ के बच्चों को आगे जीवन में जी, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते तो आज जो शिक्षा का हब बन चुका है महेंद्रगढ़, उसमें जो अहम भूमिका आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, शायद नहीं देखा जाता। आरपीएस, आरपीएस का नाम आरपीएस क्यों, राव प्रहलाद सिंह जी, ये मेरे दादा ससुर का नाम है और मेरे फादर लोग का ये इच्छा थी, उनका एक सपना था कि मैं अपने पिताजी के नाम से स्कूल खोलूं, तो ये मेरे दादा ससुर का, वो भी बहुत अच्छे एक ह्यूमन बीइंग थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ स्ट्रगल डेज भी रहे होंगे, क्योंकि आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं, 20 तो 24 साल पीछे चले जाएं, तो उस समय तो इसमें रिसोर्सेज वगैरह थे नहीं, संसाधन भी नहीं थे, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती थी समशेर जी, बहुत वहाँ रिसोर्सेज के नाम पे तो बस पापा की जरूर शुरुआती हेल्प थी, लेकिन रिसोर्सेज सबसे मेन रिसोर्स होता है, देखिए टीचर्स, इस एरिया में टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल था। डिग्री वाले टीचर्स बहुत थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपोजर उतना नहीं था जो मुझे चाहिए था अच्छे टीचर के लिए, मुझे और बाबूजी को, हमें लगते थे अच्छे। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, मैं सुबह स्कूल में 7 बजे आ जाती थी। देखिए, मैं 4 बजे उठ के घर का काम पूरा करके, उस टाइम गाय भैंस का भी थोड़ा काम करना, वो भी मैं करती थी, वो सारा करके 7 बजे आके मेरा 1 घंटा होता था कि मैं टीचर्स को ट्रेंड करूँ। ट्रेंड इन द सेंस, मेरी कोशिश रहती थी कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊं उनको, वो बताऊं उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा आइडियाज उनको दूं, यानी कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। बाद में तो हमारी टीम बड़ी होती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, तो ये काम औरों ने भी करना शुरू कर दिया। पर शुरुआत में मैंने बाऊजी भी उनकी मीटिंग्स लेकर के उनको ट्रेंड करते थे, उनको बहुत उनको बेसिक कॉन्सेप्ट से उनको बहुत बातें सिखाते थे। तो दूसरा, पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम आई, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर थी हमारे एरिया में जो था, लेकिन मैंने बहुत कोऑपरेट किया। जैसे कि वो कहते थे कि मैम हम बच्चों को बुक्स नहीं दिला सकते, बहुत महंगी किताबें हैं, मैं उनको एक ही बात कहती थी, आप हुक्का बीड़ी छोड़िए, लेकिन बच्चों के हाथों में किताबें दीजिए, वो जरूर पढ़ेंगे। और ये बात सुनकर के पेरेंट्स बहुत हंसते थे कि हाँ मैडम तो पढ़ाते ही छोड़ेगी। और अच्छा हुआ उन्होंने इस बात को, मेरी बात को समझा। और एक दिक्कत ये थी कि मम्मी यहाँ पर आके मुझसे कहती थी, जो मदर्स आती थी, कि हमारी बेटी तो सरकारी स्कूल में जा रही है, बेटे को मैडम हमने आपके यहाँ एडमिशन कराया। अच्छा। तो वहां से मुझे अंदर से एक चीज महसूस हुई कि इट मीन्स अभी भी इस क्षेत्र में ये चीज व्याप्त है कि बेटी को सरकारी में बेटी को पीछे रखो और बेटों को आगे। मैंने धीरे धीरे उनको काउंसिल करना शुरू किया, मैंने उनको समझाया कि देखिए बेटी को आप पढ़ाएंगे, बेटी जो है 2 घरों का नाम रोशन करती है, बेटी अगर आप बेटी को पढ़ाते हो तो वो आने वाले समय में समाज के लिए नए एग्जाम्पल सेट करती है। धीरे धीरे शायद मेरी काउंसलिंग का, मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि हम 3 बहनें थे, हमारे फादर ने हमें पढ़ाया और मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए ये स्कूल चला पाई यहाँ पर। मुझसे छोटी बहन है वो भी टीचर है, उससे छोटी है वो होम मेकर है, वो अपना बिजनेस भी देखती है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से उनको जब समझाने लगी तो उनकी सोच बदलने लगी। और धीरे धीरे, हाँ जी, अब रेशो क्या है? अब रेशो हमारी बहुत अच्छी है। पहले जब मैं क्लासरूम में जाती थी तो 1 लाइन गर्ल्स की और 3 लाइन बॉयज की होती थी, अब 2 लाइन हमारे पास है। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है, हाँ जी, कि अब वो नहीं है, अब हमारे यहाँ पर अब बेटियों को और बेटों को बराबर मौके मिल रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर देखा जाता है कि जैसे पहले बाबू जी का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल रहा और मनीष जी का भी है, लेकिन आपके हस्बैंड दिखाई नहीं पड़ते इस काम में। एक्चुअली हाँ, देखिए मैंने शुरू में बताया था, बाबू जी तो बहुत डायनामिक पर्सनालिटी के और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे व्यक्ति के व्यक्ति रहे हमेशा। उनको एक इच्छा थी, होती थी उनकी हमेशा, जो मैं
मैंने अपने घर से और यहाँ तक हमेशा महसूस किया जब मैं स्कूल आती थी, वो एक बात कहते थे कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे समाज में जो है बच्चे पढ़ लिख जाए। और तो उसके लिए हाँ, मनीष ने और मैंने उनका बिल्कुल साथ दिया। मेरे हस्बैंड जो वो एडवोकेट थे, तो वो उनका काम बिल्कुल अलग था, तो वहां पर इनडायरेक्ट वो जरूर हमारे साथ थे। लाइक बच्चों के एडमिशन पे काम करना, टीचर्स के लिए काम करना, दूसरे जैसे ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा काम, वो काम जरूर टीचर से देखते थे। वेल एडवोकेट तो वैसे बाबूजी की थे, रीटा बाबूजी ने उस टाइम प्रैक्टिस छोड़ दी थी। बाबूजी ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी मेरे हस्बैंड को, पहले वो एयरफोर्स में थे, फिर वो एडवोकेट बने, फिर यहां बाबूजी ने तो इवन पाइप फैक्ट्री का एक तो बिजनेस भी किए। बाबूजी देखिए बहुत मेहनत उन्होंने अपने जीवन में की, बहुत, और मेरे जीवन के दो वो कहते हैं सक्सेसफुल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, पर मैं ये कहती हूँ सक्सेसफुल महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। पहले मेरे फादर, जिनसे मैंने संस्कार और बहुत अच्छी आदतें, व्यवहार और मेहनत करना सीखा, लेकिन बाबूजी से मैंने मेहनत करना सीखा। 80 की उम्र में भी जब वो गए हैं, जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली, उस दिन भी वो कॉलेज में काम कर रहे थे। ये मैंने परिवार के सदस्य तो कम पड़ जाते हैं ना। बिल्कुल समशेर जी, अब हमारे पास में टीम है जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स हैं, विंग हेड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स होते हैं, और हमने कुछ इवन पेरेंट्स को भी अपनी टीम में लिया हुआ है जो डिसिप्लिन को देखते हैं, हमारे सिस्टम को देखते हैं। एक मैनेजमेंट की कमेटी भी होती है जिसमें पेरेंट्स का रहना जरूरी होता है, वो हमारे हर ब्रांच में है। वो टीम हमारी इतनी स्ट्रांग है कि अब हम सेंट्रलाइज सिस्टम रखते हैं, जैसे कि मैं यहीं से बैठ के सारा काम करती हूँ कि सिलेबस को डिवाइड कैसे करना है, नए नए चेंजेस कैसे लेकर के आना है, प्लानिंग पूरा साल की कैसे करनी है, एक्टिविटी प्लानर कैसे बनाना है, तो वो अपनी टीम के साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ, सारे टीम उस पे काम करती है। एकेडमिक पर फोकस रहता है पूरा? हाँ, मेरा एकेडमिक पे पूरा फोकस रहता है। और अच्छा, इस बात पर क्या कहेंगे कि आज के जो पेरेंट्स भी कह लीजिए, ज्यादातर पीटीएम वगैरह में आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे कितने मार्क्स कमाए हैं, मतलब मार्क्स के पीछे दौड़ रही है दुनिया। हाँ, यहाँ मेरा पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि मार्क्स के पीछे बिल्कुल भी ना भागे, बच्चे को स्किल्ड बनाए। अगर बच्चे स्कूल वाले भी मार्क्स के पीछे, मतलब मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, मेरे यहाँ डांस की बात करूं, अभी बाल भवन में महेंद्रगढ़ ब्रांच जो है पिछले 13 साल से ओवरऑल चैंपियन है, थारोडा रेवाड़ी पिछले 10 सालों से ओवरऑल चैंपियन है, और गुड़गावा की ब्रांच, अभी जो गुड़गावा में भी बाल भवन के इवेंट हुए, दूसरे भी जो भी प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को मिलता है डांस में, म्यूजिक में, योगा में, स्पोर्ट्स में, हमारे महेंद्रगढ़ की गर्ल्स एथलेटिक्स में नेशनल लेवल तक बहुत सारे मेडल्स लेकर के आई है। बाकी मार्क्स, डोंट गेट मी रॉन्ग कि मार्क्स जरूरी नहीं है, मार्क्स जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। ये बात पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि वो बच्चों को कभी भी ना फोर्स ना करे, उसका जहां इंटरेस्ट हो उसको वहीं उसका करियर बनाने दे। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे बच्चे पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट था, कहीं ना कहीं मेरे फादर ने वो चीज महसूस की होगी और शायद इसीलिए मैं इस फील्ड में अच्छा कर पाई, और मेरे फादर इन लॉ ने देखिए इसीलिए मुझे इस कुर्सी पर बैठाया, कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज दिखती थी। हाँ, उन्होंने अपने बेटे को छोड़ करके मुझे अगर ये चांस दिया तो उनको लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट मेरे अंदर पैशन था तभी मैं ये सारा काम कर पाई, और इसीलिए मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि आप जिस काम को पैशन से करते हो उसमें आपको कभी थकान नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए। मैंने सुना कि आप पंक्चुअल भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं बहुत हूँ। अगर टाइम का, मैंने 10 बजे का कहीं जाना है तो मैं 10 बजे पहुंचती हूँ सुबह। मुझे अगर जल्दी उठना, मैं हमेशा से ही मुझे जल्दी उठने की आदत है। और मैं भी कहूंगा कि 11 बजे इंटरव्यू का टाइम था, उससे पहले कॉल आ गया था हमारे पास कि आप जल्दी पहुंचो। अच्छा, इसमें एक और मैं सवाल करना चाहूंगा कि जैसे कई बार सुनने में आता है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में कुछ जो शिक्षक होते हैं उनको या तो कम तनख्वाह दी जाती है, और अपने बारे में तो मैंने ये सुना कि कम ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने ये सुना कि लाखों में भी सैलरी दी जाती है यहाँ पर। समशेर जी, बिल्कुल, हम यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, लेकिन उसके लिए कई बार एक थोड़ा आ जाता है, पेरेंट्स कहते हैं मैडम फीस आपकी ज्यादा है। अच्छा। वो फीस ज्यादा होने का सिर्फ यही कारण है कि अच्छा, टीचर्स को बहुत अच्छा पे करते हैं और बच्चों को फैसिलिटीज वाइज भी हमने बहुत। हाँ, ये भी मेरा लिस्ट में एक सवाल है कि महंगा है काफी और फीस इज वेरी हाई, अफोर्डेबल फीस नहीं है, और इवन इसके लिए हम कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है कि
पेरेंट्स ने बोलना शुरू किया या फिर हड़ताल करने की कोशिश करी, कुछ इस तरह की बातें भी सामने। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जो हमें जो लोग पिछले 24 सालों से हमारे साथ हैं वो जानते हैं कि अगर कोई गरीब बच्चा है या जिस जो फादरलेस मदरलेस बच्चे हैं या जो फीस नहीं भर पाते हैं, मेरे पास उन बच्चों की बेशक गिनती आज नहीं है लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हमने पढ़ाए हैं, उनको शिक्षा से वंचित नहीं रखा। अगर उनके पास पैसा नहीं है उनको हमने दिया। फीस सिर्फ ज्यादा होने का कारण मैं बार बार वही कहूंगी क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आते यहाँ रह रहे हैं और वो जो है हाईली एजुकेटेड है, तो उन अच्छे टीचर्स की वजह से हमें सैलरी भी अच्छी पे करनी पड़ती है। दूसरा इंफ्रा पे, स्पोर्ट्स पे, दूसरी बहुत चीजों पे हमने खर्च अच्छा हमने। हाँ जी, अच्छा 25% जो सरकार डिसाइड करके बता रही है बच्चों को पढ़ाना है उनके साथ क्या? हमारे पास हमारी हर ब्रांच में आरपीएस ग्रुप में 134A के हमारे पास मैक्सिमम एडमिशन्स है और मेरा स्पेशली इंटरेस्ट रहता है। कई बार मेरे प्रिंसिपल हंसते भी हैं, मैं पूछती हूँ आप बताइए उन बच्चों को एडमिशन दिया कि नहीं दिया, और मेरे पास 100% जो कोटा है उसके तहत बच्चे हैं। उसके अलावा कोई पार्शियलिटी तो नहीं होती, जैसे क्लास में आ गए एडमिशन हो गया लेकिन उनका सेक्शन ही अलग बना दिया या फिर वहाँ टीचर्स मतलब अच्छा नहीं भेजेंगे कुछ इस तरह की? बिल्कुल भी नहीं हमारे इस तरह का, तो क्योंकि हम एजुकेशन में देखिए सबसे पहले समाज को यही संदेश देना है, तो ऊंच नीच का हमें भाव खत्म करना है, ऊंच नीच का या अमीर गरीब का। स्कूल में ये बातों को तो हम कभी एंटरटेन करते ही नहीं है, हमारे यहाँ सब बच्चे बराबर है। और मैं खुद जब राउंड भी लेती हूँ अगर मुझे थोड़ा भी लग रहा है कि इस बच्चे को क्लास में अच्छा नहीं लग रहा है या ये अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं उसी टाइम आके टीचर को ऑफिस में बुला के इंस्ट्रक्शन देके मुझे बच्चा क्लास में हंसता हुआ चाहिए। मेरे यहाँ स्कूल में बच्चा हंसता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, एक खुश बच्चा मुझे चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का क्या करें, वो कहते हैं कि शिक्षा को व्यापार बना दिया। देखिए वो तो आप बोलने वाले जो है वो ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन मैं तो अपना बताती हूँ कि आज तक शायद मुझे पता है व्यापार की तरह मैंने इसको कभी नहीं समझा। मैंने एक बार आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भगवान ने मुझे शायद भेजा इस यहाँ पर इसीलिए था कि यहाँ शिक्षा का विस्तार हो इस एरिया में, और इतने अच्छे आज रिजल्ट आ रहे हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, डिफेंस में, हमारी एनडीए में भी गर्ल्स का बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, टीचिंग में बहुत गर्ल्स का सिलेक्शन है, हरियाणा पुलिस में, राजस्थान पुलिस में। तो व्यापार ये मेरे लिए कभी भी नहीं रहा, मेरे लिए सिर्फ जीवन के मेरे आखिरी सांसों तक मेरा तो यही सपना है कि सिर्फ एक अच्छा नागरिक बच्चों को बनाए, उनको पढ़ा लिखा करके इस तरह के बच्चे बनाए जो क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए और देश के विकास में वो उनका है योगदान हो और बहुत अच्छे इंसान बच्चे बने। बिल्कुल। और जितने लोग मुझे मेरे परिवार को जानते उनको पता है कि हमने जिन बच्चों को फीस में दिक्कत हुई है या किताबों में दिक्कत हुई है, हम कुछ खरीद नहीं पाए हैं, स्टेशनरी भी खरीद नहीं पाए हैं, उनको हम देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इतना बड़ा ग्रुप है आज की डेट में, और मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे दिल्ली गुड़गांव के बच्चे, पहले हम लोग वहां पढ़ने जाया करते थे, अब दिल्ली गुड़गांव के बच्चे अपने महेंद्रगढ़ में पढ़ने आते हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। साउथ में हमारे कॉलेजेस में तो साउथ के बच्चे बहुत ज्यादा है, स्कूल में मेरे पास गुजरात के, बिहार के हॉस्टल में काफी बच्चे। अच्छा, मतलब स्कूल के अंदर भी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स, अदर स्टेट्स के बच्चे हमारे पास यहाँ पर है। एक्चुअली यहाँ के बच्चे में देखे शमशेर जी, यहाँ के बच्चों में खास बात है यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को दिशा देने वाला कोई चाहिए, तो जो वो काम मेरी टीम बखूबी कर रही है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। और ये बच्चे जो है डाइवर्टेड बच्चे नहीं है, क्योंकि मॉल कल्चर से जो आप गुड़गांव दिल्ली की बात कर रहे हो वहां बच्चे थोड़ा सा उनको डाइवर्जन उनका हो जाता है, वो उतना शिक्षा की तरफ पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हमारे यहाँ के जो बच्चे देते हैं। मैंने वो देखिए पेरेंट्स की आंखों में वो चमक देखी है, वो चाहते हैं हमने खेती कर ली, हमने मेहनत कर ली, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ना वो नौकरी करे और वो आगे जीवन में पढ़े। जी बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मेरा वो रहेगा, खासतौर पर जब बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी होगी यहाँ पर? हॉस्टल है, कैसा फील करते हैं वो, हॉस्टल में है घर जैसा? बहुत अच्छा फील करते हैं, और यहाँ बल्कि हम कई बार कहते हैं कि हॉस्टल की दाल खा करके ना बच्चे जो है अभी पीछे फुटबॉल क्लस्टर में हमारे बच्चों ने जो है फर्स्ट पोजीशन ली है। दाल मैंने भी खाई थी, वो प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम के बाद हम लंच करके गए थे। बिल्कुल, देखिए मैं संडे को ना कई बार मेस में चली जाती हूँ चेक करने,
मैं क्योंकि साइंस स्टूडेंट रही हूँ तो मेरा ये कोशिश रहती है कि वहां पर ये सरसों का तेल यूज करें, हमारे महेंद्रगढ़ में मस्टर्ड ऑयल बहुत मिलता है, तो मैं रिफाइंड ऑयल मुझे एक जहर लगता है, तो जो मेस के केयर टेकर है वो जानते हैं, मैडम आके सबसे पहले यही पूछेगी और मैं खुद चेक करके आती हूँ। ऑयल बहुत अच्छा यूज होता है, सब्जियां हम लोग महेंद्रगढ़ से फ्रेश जो मिलती है वही, दूध भी हम यहीं से लेते हैं, तो खाना बहुत अच्छा मिलता है। खाना अच्छा होगा तो बच्चे शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग होंगे। दूसरा, खेलने के लिए हमारे पास बहुत जगह है, बहुत ग्राउंड है हमारे पास, शाम को उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है। और बीइंग ए मदर, मैं एक माँ भी हूँ तो मेरा थोड़ा झुकाव उस तरफ भी रहता है कि मैं बच्चे की हेल्थ को भी देखती रहती हूँ कि वो अच्छा खा रहे हैं कि नहीं है, खेल रहे हैं कि नहीं है। लीडरशिप में अपने आप में ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि एक महिला जो है ना लीडरशिप में। हाँ, मेरा तो ये बल्कि देखिए अपने क्षेत्र की लड़कियों के लिए एक संदेश भी है कि आप लोग एक समाज में ना हमारे परिवारों में एक धारणा बन जाती है कि लड़कियों को छोटेपन से ही चम्मच कटोरी प्लेट पकड़ा देते हैं, लड़कियों को गाड़ी की चाबी। तो हमें ये सोच को बदलना पड़ेगा, हम लड़कों को किचन में बल्कि भेजें और लड़कियों को गाड़ी की चाबी देना शुरू करें। भगवान ने लड़का और लड़की दोनों समान बनाए हैं और लड़कियों को भी बराबर मौके दे, और वो भी ये देखिए पढ़ लिख करके वो देश की जीडीपी में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और हमारे पास हजारों एग्जाम्पल हमारे समाज में और हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ महिलाओं ने हर पौधे पे बहुत नाम किया है। तो परमात्मा की तरफ से देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो हम इंसान होकर के दोनों में क्यों फर्क करें। तो ये मेरा मैसेज यहाँ के क्षेत्र के पेरेंट्स के लिए कि आपके पास बेटा है या बेटी, जो भी है आप बच्चे हैं आपके पास, उनको बराबर परवरिश दे, बराबर मौके दे, उनको पंख दे, उनको उड़ान दे। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वो भी सक्षम है, हर क्षेत्र में कर सकती हैं। एक अच्छी बात, बट मैम जैसे इतना सब कुछ कर रखा है यहाँ पे, इतना अच्छा मतलब कह सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में हम लीड कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें परिणामों की बात करें तो ये देखने सुनने को मिल जाता है कि सारे स्कूलों का परिणाम अखबार में छाप दिया, परसेंटेज कर दिया, परसेंटेज की बजाय मतलब ऐसा काम कर दिया कि रिजल्ट जो है वो अलग अलग संस्थाओं का इकट्ठा करके एक टॉप दिखा दिया, तो पारदर्शिता नहीं है विज्ञापनों में, कुछ इस तरह की बातें सामने आती है। जहां तक आप अखबार की बात कर रहे हैं उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, अखबार को आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे बात कीजिए, आप उनके रिजल्ट देखिए, आप जब उनसे मिलेंगे आप उनसे बात करेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम में लेकर के कॉम्पिटिशन टेस्ट में, एनटीएससी पहले होता था इस बात तो खैर नहीं है, केबीपीवाई हो चाहे एनडीए हो चाहे क्लैट में हो, हमारे बच्चों के बहुत रिजल्ट आ रहे हैं। और वो ऐसा भी नहीं आगे आने आगे के 10-12 बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे पीछे के भी बच्चे हैं वो दूसरे कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर गए हैं। कि मैं अखबार की या रिजल्ट की बात नहीं करूंगी कि हम वहां दिखा रहे हैं, जो हमारे बच्चे क्लासरूम में बैठ के कर रहे हैं और जो वो पेरेंट्स को पता है कि वो आज कहाँ पहुंचे हैं, वो पढ़ लिख करके जो उनको कामयाबी मिली है वो पेरेंट्स के पास सारा रिजल्ट है। और मेरा तो स्पेशल अटेंशन जो रहता है ना वो यही रहता है कि हम इंडिविजुअल जो है बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा नहीं है आगे वाले 10 बच्चों का ही रिजल्ट हमने देना है, एक एक बच्चे पे काम होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ रेमेडियल क्लास एक्स्ट्रा क्लास बहुत चलती है, क्योंकि जब हमारे यूटीज और पीटीज होते हैं उसमें मैं कोऑर्डिनेटर को यही कहती हूँ जो नीचे बच्चे कम नंबर लेकर के आ रहे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देकर के उनके ऊपर फोकस करो, हम सभी बच्चों को बराबर उठाना चाहते हैं। उसमें कुछ बच्चे खेल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों का साइंस ही बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ का मैथ्स, तो वहाँ उनकी एक्स्ट्रा क्लास करवाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा और ये चीज ही आरपीएस को सबसे अलग करती है कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल अटेंशन बहुत है। मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ वापस से वही सवाल कि देश भर में टॉप कब आ रहे हैं, और मुझे तो लगता है आने वाले साल में जरूर आपको देश भर में टॉप बच्चे मिलेंगे। जी जी जी, हमारी कोशिश रहेगी कि देश भर में टॉप बच्चे करें। जी अच्छा, अभी इतना बड़ा संस्थान ये है, इसके बाद अनेकों स्कूल्स होंगे, फिर कॉलेज होंगे, कॉलेज में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मतलब मैनेजमेंट का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग सेक्शन हो गया, साथ में वेटनरी आ गया, तो क्या कहीं कॉलेज के सेक्शन से देखें तो इतने डिपार्टमेंट्स जो है डेवलप करे जा रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी का आगमन तो नहीं है जल्दी? शमशेर जी बिल्कुल, मैं तो पेरेंट्स के और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, बाबू जी की भी इच्छा थी कि अगर सबका आशीर्वाद रहा तो यूनिवर्सिटी का जरूर हम सोचेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, यहाँ का जो टैलेंट है वो यहीं पर रह जाएगा।
अभी बच्चे क्या होता है दिल्ली गुड़गांव जाकर के जॉब करना चाहते हैं, पर हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए बच्चों को यहाँ रुकने की जरूरत है, ज्यादातर पढ़ के वहाँ से आते हैं, तो पढ़ के वहाँ से यहाँ से भी अगर बाहर पढ़ने जाते हैं वो बाहर ही सेट हो जाते हैं। और हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी जब यहाँ पर आएगी तो यूनिवर्सिटी हम अगर लेकर के हमारा फोकस होगा कि बच्चे यहीं पढ़ लिख करके अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू करें, अपने यहाँ की बेटियां यहाँ की बहुएं और यहाँ के बेटे अपने अपने काम शुरू करें और इस क्षेत्र के विकास में हम योगदान दें। दूसरा जब आप बाहर जाते हो ना कहीं इकोनॉमिक लॉस पेरेंट्स का बहुत बड़ा होता है, तो यहीं जब बच्चे पढ़ेंगे वो सस्ता एक जो है सस्ते में भी पढ़ाई हो जाएगी, सेहत का भी थोड़ा ध्यान रहेगा, पेरेंट्स का आजकल एक एक दो दो बच्चे सबके पास एक सेहत को लेके भी कंसर्न रहता है कि खाना पीना बाहर अच्छा नहीं मिलेगा, तो यही रह के जब अपनी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ेंगे तो वो उनकी सेहत भी बहुत अच्छी बात। अच्छा आप तो विश्वविद्यालय तक का प्लान कर रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ की सड़कें अगर देखें ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स फिगर है, लेकिन जैसे महेंद्रगढ़ के हालात आज भी जस के तस जैसे 20 साल पहले थे, कुछ महेंद्रगढ़ के बारे में जो आप कहना चाहें। देखिए पहले फिर मैं अपनी उसी बात से कहूंगी, जब यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ का जब युवा वर्ग आएगा और यहाँ के लिए सोचेगा तो उसमें जरूर विकास में वो भागीदारी उसकी होगी, और पढ़े लिखे बच्चे आएंगे तो वो ज्यादा वो उस आवाज को भी उठाएंगे कि हमें हमारे क्षेत्र में ये कमी है हमें ये करना है, और पढ़े लिखे बच्चे एक दूसरे के साथ जो है सहयोग से भी मिलकर के काम करके, मैं आपका ही देखिए शमशेर जी आप एक न्यूज चैनल चला रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे होते तो सिर्फ आप एक नौकरी कर रहे होते, अभी आपके साथ 10 लोग भी हैं जो इस चैनल में आपकी हेल्प करते हैं, तो इस तरह के हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख करके कॉलेज में यूनिवर्सिटी से आगे निकलेंगे वो क्षेत्र के लिए सोचेंगे तो जरूर विकास होगा। अच्छा एक अब जो है ना हमारा मतलब ऐसे क्योंकि ज्यादा हम इंटरव्यू लंबा भी नहीं कर सकते और रैपिड राउंड रहेगा, आपको जो आंसर देने हैं वो एक शब्द में एक सेंटेंस में देने ज्यादा नहीं। इतनी व्यस्तता के दौरान भी क्या आपको अपनी हॉबी के लिए कोई भी हॉबी है उसके लिए समय मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो कौन सी हॉबी है क्या? मेरी हॉबी कुकिंग और गार्डनिंग है, आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हर तरफ पौधे के लिए मुझे रहता है, मैंने अपने स्कूल में बच्चों को ये कंपल्सरी कराया हुआ है कि अपने जन्मदिन पे एक पौधा जरूर लगाएंगे, तो मेरी तरफ से कोशिश है मुझे लगता है 100% ये टारगेट मैंने ना अचीव किया हो लेकिन करीब करीब 50% ये टारगेट हम अचीव कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है प्लास्टिक का यूज ये रैपिड राउंड है। अच्छा रोल मॉडल कौन है किसको फॉलो करते हैं? मेरे रोल मॉडल देखिए एक तो महात्मा गांधी जी मेरे रहे हुए हैं और एक प्रोफेसर अब्दुल कलाम जो है मेरे रोल मॉडल। अच्छा बुक्स पढ़ती होंगी आप तो कौन सी बेस्ट बुक है जो आप ऑडियंस को भी रिकमेंड करना चाहिए? जी मेरी महात्मा गांधी जी की जो बुक है मैंने महात्मा गांधी जी को बहुत पढ़ा है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और एक बुक है हू विल क्राई व्हेन यू विल डाई, ये बुक भी मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है। जी अच्छा योगा और एक्सरसाइज के लिए भी समय मिलता है या नहीं? हाँ बिल्कुल शमशेर जी मुझे मैं योगा जरूर सुबह करती हूँ क्योंकि सारा दिन एक घंटा मेरी योगा रहती है 5 से 6 बजे तक। अच्छा अर्ली राइजर हूँ। अर्ली राइजर हूँ मैं, मैंने बताया था मैं 4 o'clock मुझे मॉर्निंग में उठने की आदत है। जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया कि आप भैंसों का काम भी किया करते क्या अब भी करते हैं? नहीं अब नहीं करती क्योंकि अब इतनी ब्रांचेस हो गई है स्कूल की और कॉलेजेस भी बहुत हो गई है तो अब तो नहीं करती, लेकिन हाँ पहले बहुत की है। इस तरह के काम को कैसे लेते हैं? इस तरह का काम अगर घर पर है तो कर लेना चाहिए। देखिए मुझे लगता है काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, काम सब बराबर होते हैं, और वो जब मैंने भैंस और गाय का काम भी किया ना उसको भी बहुत इंजॉय करके किया, बहुत खुशी के साथ किया, और वहाँ घर पे देखिए इतने काम कर पाई इसीलिए स्कूल में मैं कोऑर्डिनेट कर पाई, स्कूल में घर से ही हम सीखते हैं, और एक मुझे जैसा कि आपने कहा था एक औरत बहुत अच्छी लीडर हो सकती है वो इसीलिए क्योंकि एक औरत घर को बहुत अच्छे से संभालती है, हमारी जो मम्मियां होती है उनसे अच्छा मैनेजमेंट ग्रुप कोई नहीं हो सकता, कैसे पैसे को बचाना है कैसे परिवार को संभालना है वो बहुत अच्छे से जानती है। आप इसके बारे में अगर एक लाइन में कहें तो क्या कहें? देखिए मैं आरपीएस के बारे में यही कहना चाहूंगी कि अभी हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ करके जाएं वो स्किल्ड बच्चे हो वो काबिल बच्चे बने और आने वाले समय में वो ऐसा युवा वर्ग हो जो आने वाले चैलेंजेस को का सामना कर सके, किसी भी चैलेंज से घबराए नहीं, क्योंकि देखिए शमशेर जी जो किताबों में लिखा होता है ना वो आप एग्जाम में तो पास कर सकते हो लेकिन जिंदगी के जो चैलेंजेस आएंगे ना वो आपको नहीं पता होता। शुरुआती टाइम में आपने पढ़ाया था? मैंने बहुत आज भी पढ़ाती हूँ मैं तो इसी वजह से रैपिड राउंड के आंसर भी है ना चार चार सेंटेंस में आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मैंने बताया भी
कि पेरेंट्स को मैं बार बार यही कहूंगी कि आप अपने बच्चे के टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और अच्छा, मेरे फादर ने उस टैलेंट को देखा और मौका दिया। मेरे फादर लॉ ने बहुत उसमें जी अब आप अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा लेगा सेकंड, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी प्रकार से आप सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं? समशीर जी, सोशली मैं बहुत, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको एक चीज मैं बताती हूँ, हमने स्कूल में प्लास्टिक जो गिफ्ट रैपिंग होती है ना, एक तो उसको पूरा बंद किया हुआ है। हमारे यहाँ बाल की पैकिंग होती है, तो एक तो ये समाज को एक संदेश देना है कि प्लास्टिक बिल्कुल खत्म करिए। बच्चों के थ्रू हम मैसेज देते हैं सबको, हमारे जो बच्चे हैं कि वो प्लास्टिक का बैग कम यूज करें, कपड़ों के बैग यूज करें। इसके साथ साथ जैसे नारनौल में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां पर मैं अच्छा। रेगुलर विजिट करती हूँ। देखिए, वहां जाकर के ना एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है कि देखिए ये बच्चे भी इतना कुछ भगवान ने कमी देते हुए भी अपने आप को इतना, देखिए समाज की एक मुख्य धारा में वो शामिल है, ये बात की बहुत खुशी होती है। और हमारे स्कूल के बच्चों के जब बर्थडेज होते हैं उनको भी हम कई बार झुग्गी झोपड़ियों में भेजते हैं, और पेरेंट्स को भी कहते हैं इनको जरूर लेकर के जाइए, ताकि उनको ये समझ आए कि जो आपको मिला हुआ है उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। जो वंचित बच्चे हैं देखिए वो भी कैसे जीवन में इतना अच्छा कर पाते हैं। तो ये बात हमें छोटेपन से बच्चों को जरूर समझानी है, क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेश वहीं से होगा और परिवार और स्कूल मिलकर के इस जिम्मेवारी को कर सकता है। इसके साथ साथ मैं कई जो स्पेशल चाइल्ड के स्कूल्स होते हैं वहां भी मैं बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करती हूं, मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के नेक कार्य हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी करते हैं। बाकी एक अंतिम सवाल, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की डेट में, अगर हम बात करें तो विज्ञापन का भी दौर है वैसे तो, लेकिन यहाँ छात्रवृत्ति परीक्षाएं भी आयोजित होती है अपने शहर के अंदर, और आरपीएस के अंदर भी 1 जनवरी को छात्रवृत्ति परीक्षा है। नए वर्ष के दिन, मतलब पहला ही दिन जो है नए वर्ष का पहला दिन 2023 का, जैसे आगमन हुआ 2023 के आगमन के पहले ही दिन आरपीएस के अंदर छात्रवृत्ति परीक्षा। अब मेरा सवाल इसमें से ये निकल कर आता है कि क्या छात्रवृत्ति परीक्षा जब हो जाएगी तो उसके बाद जो बच्चे छात्रवृत्ति गेन करेंगे वो जनरली गेन करेंगे, या फिर मान लीजिए कुछ इस तरह का ये बस एक विज्ञापन का एक मार्ग है? समशीर जी, बिल्कुल भी नहीं, ये जनरली हम बच्चों की मदद करना चाहते हैं। और देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला कि हम जो भी कुछ सीखते हैं वो पेरेंट्स का उसमें अहम योगदान होता है। मेरे फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक बात कहते थे कि अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं 2 रुपए उसमें से हमें बांटना चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, और उसी सोच को लेकर के जो है ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा करने का उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चे जिनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना भी बहुत चाहते हैं, वो जीवन में करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, वो पढ़ लिख करके वो डॉक्टर इंजीनियर बन के वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम सच में मदद करना चाहते हैं। और ये 1 तारीख की स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि ये होगा इसमें हम उनको फ्री देंगे। पिछले जो साल निकल गए हैं, पिछले 24 सालों में भी हमने जो स्कॉलरशिप टेस्ट करवाए हैं उनमें बहुत बच्चों को हमने मदद करी है। फिर वो बच्चे फ्री पढ़ते हैं जो जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए, वो स्कॉलरशिप जो हम देते थे ना वो स्कूल ट्यूशन फीस में या एडमिशन जो फीस और हमारा जो होती है उसमें हम देते थे। ये जो अब स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहेंगे, उनका फ्री खाना पीना रहना फ्री रहेगा, और हॉस्टल में भी फ्री है और लेकिन वो पढ़ने में रुचि रखती है, वो आगे कुछ करना चाहती है, जीवन में कुछ बनना चाहती है। तो मेरा तो इस चैनल के माध्यम से आज ये एक मैसेज भी है कि बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो और आप स्कॉलरशिप टेस्ट को क्वालिफाई करके जरूर मेरे पास आओ, और मुझे भी बहुत आपको पढ़ाना अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इंटरव्यू काफी लंबा हो चुका है, हम इतना लंबा करना नहीं चाहते थे। बाकी चर्चित चेहरे में जब इस तरह से गेस्ट आते हैं तो काफी अच्छा लगता है उनकी जो जर्नी है उनको जानकर। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो सके कि हाँ, महेंद्रगढ़ जैसे इलाके के अंदर जिसके अंदर बहुत ही कम रिसोर्सेज हुआ करते थे आज से 24 साल पहले, वहां पर एक स्कूल का जो है निर्माण कर यहाँ पर पढ़ाने का कार्य शुरू करने वाली कविता राव जी ने इतना जो बड़ा ग्रुप है आज बना दिया है, जिसका नाम जो है पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में है, जहां पर छात्र छात्राएं जो है अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं।
हम और हमारी जो टीम है सैल्यूट करती है उनको, मैम सैल्यूट आपके काम को, और हम उम्मीद करते हैं कि आरकेएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पवित्रा मैम जो है इसी प्रकार से आगे अपने काम को बढ़ाएं और यहाँ शिक्षा का जो अलग जगह रखा है इसको आगे तक फैलाते रहें। बाकी चर्चित चेहरे के बारे में भी आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।